नमस्कार बच्चों, आज हम छठी कक्षा के इस वीडियो में सीखेंगे बाल राम कथा। और बाल राम कथा के आगे का चैप्टर है चित्रकूट में भरत। इस पाठ में हम देखेंगे कि किस तरह चित्रकूट के अंदर श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दिन बिता रहे हैं और वहां पर भरत उनसे मिलने आते हैं और कैसा सुंदर सा दृश्य खड़ा होता है दोनों भाइयों के मिलाप पर, यह वर्णन इस पाठ के अंदर प्रस्तुत किया गया है। तो आइए पाठ की शुरुआत करें। भरत केकई राज्य में थे। केकई राज्य में यानी कि ननिहाल में अपने नाना के यहाँ थे। अपने ननिहाल में अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ, यानी कि अयोध्या में कौन सी घटनाएं हुई ये उन्हें अपने ननिहाल में अपने नाना के घर बिल्कुल पता नहीं था। अनभिज्ञ होना यानी कि बिल्कुल परिचित न होना, बात का पता न होना। लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था पर उसका अर्थ पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, यानी अपने मित्रों के साथ जब वो बात कर रहे हैं तब उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है पर सपने में मुझे डर लगने लगा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है, वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं, यानी कि न होने वाली ऐसी सारी बातों का वर्णन उन्होंने अपने सपने के अंदर देखा है। और वे खुद कहते हैं कि इस सपने से मैं डर गया हूँ। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहाँ आ पहुँचे। घुड़सवार दूत यानी कि घोड़े पर सवार जो दूत हैं वो वहाँ पर अयोध्या से आ पहुँचते हैं। घुड़सवारों ने छोटा सा रास्ता चुना था जल्दी पहुँचने के लिए। भरत को संदेशा मिले इस तरह, वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था, यानी उन्हें वहाँ पर अब बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा है। वे अयोध्या पहुँचने को उतावले थे, यानी वे जल्दी से जल्दी अपने पिता के पास, अपने माताओं के पास, अपने भाइयों के पास वापस पहुँचना चाहते थे। केकई राज ने भरत को विदा किया, यानी उनके नाना उन्हें विदा करते हैं। आगे देखिए कि कौन कौन सी वस्तुएँ उन्हें दी हैं। 100 रथों और सेना के साथ, यानी कि 100 रथ और पूरी बहुत ही बड़ी ऐसी सेना उन्हें उपहार में दी है। अब ये 100 रथ और सेना लेकर उन्हें अयोध्या जाना होगा। उन्हें घोड़े सवारों से अधिक समय लगा, क्योंकि जो सेना है वो भी साथ चल रही है, बहुत बहुत सारे 100 रथ हैं वो भी साथ में चल रहे हैं, यानी सभी के साथ चलने से उन्हें बड़ा रास्ता अपनाना पड़ा, जो बिल्कुल छोटा सा रास्ता है जिस पर एक घोड़ा निकल जाए, इतना छोटा सा रास्ता है उस पर वो नहीं आ सकते, क्योंकि उपहार में उनके नाना जी ने उन्हें बहुत सारे रथ और घोड़े सवार और साथ में सैनिक भी दिए हैं, इसलिए उन्हें बड़ा रास्ता अपनाना पड़ा और अयोध्या पहुंचने में उन्हें काफ़ी समय भी लग गया। सेना का वर्णन किया है, सेना और रथ खेतों में होकर नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुँचे, नदी पर्वत लांघ कर थके हुए और चिंतित। जो भरत बिल्कुल जल्दी अयोध्या पहुंचना चाहते थे, लेकिन उन्हें पहुंचते पहुंचते 8 दिन बीत चुके थे। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा, नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा। दूर से ही उन्होंने समझ लिया कि नगर में कुछ सामान्य घटना नहीं घटी है। बदला बदला सा था सभी कुछ। अनिष्ट की आशंका उनके मन में और गहरी हो गई, यानी कि उनके मन में तय होने लगा कि कुछ ना कुछ न घटने वाली घटना मेरे पीछे यहाँ अयोध्या में ज़रूर घट चुकी है। यह मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया है इसे, उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग
कहाँ गए? वह तुमुल नाद कहाँ है, यानी कि लोगों का शोर कहाँ है, सड़कें सूनी हैं, सभी कुछ उदास सा वातावरण दिख रहा है, ऐसा क्यों है? पक्षी भी कलरव, यानी कि उनकी आवाज़ में बोल नहीं रहे हैं, इतनी चुप्पी क्यों? किसी ने भरत के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। भरत इन सारी बातों से दुखी हैं, लेकिन कोई उन्हें जवाब नहीं दे रहा। अब आगे देखे, नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए, यानी कि इन सारी घटनाओं से, इन सारे वातावरण से दुखी वह सीधे राजमहल के अंदर राजभवन में पहुंच जाते हैं। महाराज दशरथ के प्रासाद की ओर, यानी कि जहाँ पर महाराज दशरथ का भवन था, उनका कमरा था, उस ओर वो सीधे जाने लगते हैं। महाराज वहाँ नहीं थे। फिर वे कैकेयी के महल की ओर बढ़े। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने माँ से पूछा, पुत्र तुम्हारे पिता चले गए? वहाँ जहाँ एक दिन हम सबको जाना है, यानी उनका निधन हो गया, माता कैकेयी ने भरत को बताया। भरत यह सुनते ही शोक में डूब गए, यानी एकदम दुखी हो गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े, यानी दम से नीचे गिर पड़ते हैं, विलाप करने लगे, यानी रोने लगे, दुखी होने लगे। माँ कैकेयी ने उन्हें उठाया, ढांढस बंधाया, यानी उन्हें आश्वासन देते हैं, उन्हें समझाने की माता कैकेयी कोशिश करती है। कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते, तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है, अपने आप को संभालो। यानी माता उन्हें समझाती है कि तुम तो एक राजपुत्र हो, इस तरह दुखी होना तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या से क्या हो गया, भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे, सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया है? भरत ने माँ से पूछा। नहीं, अंतिम समय में उनके मुख से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। भरत व्याकुल थे, विकटता बढ़ती ही जा रही थी, वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे, यानी कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, मन में उन्हें शांति नहीं है, अब वो सीधे अपने भाई राम के पास जाना चाहते हैं। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है 14 वर्ष के लिए, सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ गए हैं, यानी कि राम वनवास में हैं, इस बात की जानकारी कैकेयी भरत को देती है। कैकेयी ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा, वह जानती थी कि भरत वहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे, इससे पहले ही उन्होंने बता दिया कि राम अपने कक्ष में, अपने भवन में नहीं है। परंतु वनवास क्यों? भ्राता राम से कोई अपराध हुआ, यानी भाई से कोई अपराध हुआ, उन्हें वनवास क्यों भेजा गया है? भरत ने अपनी माँ से पूछा। राम ने कोई अपराध नहीं किया, महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया, इसके लिए मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी, मुझे तुम्हारे हित की चिंता थी, यानी तुम्हें राज्य मिले यह मैं चाहती थी, मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने महाराज से विनती की और उन्हें राजभवन से दूर वन में भिजवा दिया है। वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो, अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है, अब तुम्हारे रास्ते में कोई भी कांटा नहीं है, राम को मैंने वनवास भिजवा दिया है, उठो और राज्य संभालो। माता की बात सुनकर भरत अपने क्रोध को रोक नहीं सके, चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते, ऐसा अनर्थ घोर अपराध, अपराधी नहीं हो तुम, यानी तुमने न करने वाला काम किया है, वन तुम्हें जाना चाहिए, राम को नहीं, मेरे लिए यह अर्थहीन है, यह राज्य मेरे लिए अर्थहीन है, यानी इसका बिल्कुल मेरे लिए कोई भी मूल्य, मेरे लिए कोई कीमत नहीं, पिता को खोकर, भाई से बिछड़ कर नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते,
इतना साहस कहाँ से आया तुम में? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? यह अपराध अक्षम्य है, यानी कोई भी तुम्हें माफ कर सके ऐसा अपराध नहीं है, क्षमा के योग्य नहीं है। मैं राजपद ग्रहण नहीं करूँगा। तुमने ऐसा सोचा ही कैसे कि मैं राजपद ग्रहण कर लूँगा? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन ले, मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं राम के पास जाऊँगा, उन्हें मना कर लाऊँगा, प्रार्थना करूँगा कि वे राजगद्दी संभालें, मैं दास बनकर रहूँगा। यह वाक्य थे भरत के। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी, वे चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़े। सुधबुद्ध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपटकर बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगे, उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थी, यानी कि वह अपने पुत्र के वन जाने से पहले ही आहत यानी दुखी थी। उन्होंने कहा, पुत्र तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, तुम जो चाहते थे हो गया। राम अब जंगल में है, अयोध्या का राज्य तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है, कैकेयी ने राज्य लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, यानी ठीक नहीं था, निर्मम था, यानी उसमें बिल्कुल दया नहीं थी। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो, यानी मुझे कोई दुख नहीं है कि तुम राजा बनो, लेकिन तुम्हारी माँ ने जो रास्ता अपनाया वह बिल्कुल सही नहीं था। ठीक है, चलो अब एक ही कार्य बचा है कि तुम मुझे मेरे पुत्र के पास ही भिजवा दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी और कहा कि इसमें मेरी कोई इच्छा नहीं थी। रानी कैकेयी के व्यवहार पर गिलानी व्यक्त की, यानी उन्होंने दुख व्यक्त किया कि मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया, मैं भी इस बात से दुखी हूँ। कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज हैं, अग्रज यानी बड़े भाई हैं, मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता, मैं निरापराध हूँ, मैं उन्हें जंगल में भिजवाऊँ ऐसा अपराध मैं कभी नहीं कर सकता, और ये मैंने किया भी नहीं है। माते कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे। भरत भी जानते थे कि कैकेयी खुद अपने विचार से ऐसा कभी नहीं कर सकती, किसी न किसी ने उसे उकसाया है, उसके कान भरे हैं, और ये पता चल जाता है शत्रुघ्न को। मंत्र अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, छिप गई। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे, तभी शत्रुघ्न की मंत्रा निकल रही थी, तभी वह शत्रुघ्न की दृष्टि में आ गई। उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए, शत्रुघ्न ने मंत्रा के बाल पकड़ लिए हैं, खींचते हुए भरत के सामने लाए। भरत को दासी की भूमिका बताई, यानी कि दासी ने क्या किया है, ये सारी बातें भरत को शत्रुघ्न ने बताई कि राम को वन भेजने के लिए और आपको राजगद्दी मिले इस बात के लिए माँ को उकसाने वाली यह मंत्रा ही थी। उसे पकड़कर, बालों से पकड़कर भरत के सामने लाए हैं। शत्रुघ्न उसे जान से मार देने पर उद्धत थे, यानी उन्होंने तय कर लिया कि आज तो मंत्रा को छोड़ेंगे नहीं। भरत ने बीच बचाव किया, क्योंकि वह एक दासी है, थोड़ी वृद्ध भी हो चुकी है, ऐसी औरत को मारना ठीक नहीं है, भरत उन्हें बचाते हैं। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे, यानी राज सिंहासन रिक्त यानी खाली पड़ा हो तो कोई ना कोई दुश्मन उस पर आक्रमण कर जाएगा। खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। उन्होंने सभा बुलाई, भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत से कहा, वत्स तुम राजकाज संभालो,
पिता के निधन और बड़े भाई के वन गमन के बाद यही उचित है, पर भरत न माने।